हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक टेक्निक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल लाया हूँ जिसमें मैं आपके लिए कंप्लीट सीरीज लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको एचटीएमएल के बारे में बताने वाला हूँ। एचटीएमएल क्या है, कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है, कौन कौन इसको यूज़ करते हैं और विद द हेल्प ऑफ द एचटीएमएल आप क्या कर सकते हो, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एक कंप्लीट सीरीज मैं आपके लिए लाया हूँ एचटीएमएल की। मैंने सोचा कि फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए भी आपको एचटीएमएल के बारे में स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। एचटीएमएल कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, क्या यूज होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एचटीएमएल व्हाट इज एचटीएमएल, एचटीएमएल क्या होता है। एचटीएमएल बेसिकली इज एन एक्रोनिम विच स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल बेसिकली क्या है, एचटीएमएल एक शॉर्ट फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, विच इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशन। HTML एक शॉर्ट फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, जो कि यूज होता है क्रिएटिंग वेब पेजेस। जितने भी आप वेबसाइट देखते हो, बेसिकली जो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, बेसिक फॉर्म जो होता है, जो दिखता है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिकली जो दिखता नहीं है उसको तो बहुत काफी काफी CSS इसमें यूज होती है, जावा स्क्रिप्ट यूज होती है और भी काफी चीजें यूज होती हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली होता है उसका फुटर, हेडर एंड स्लाइड, साइड्स, फॉर्म, टेबल, जो बेसिक स्ट्रक्चर बनता है वो HTML के हेल्प से ही बनता है, या आप अपने वेब एप्लीकेशन देखते हो, ठीक है, तो सब सब HTML से ही बनता है। HTML को आप कंसिडर कर सकते हो एज अ गाड़ी का मॉडल कंसिडर कर सकते हो। एक कार है, उसका जैसे मॉडल होता है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो तो बहुत खराब दिखती है, उसके बाद उसको खूबसूरत बनाया जाता है। उसमें उसी तरीके से आप जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कार का, उसको आप कंसिडर कर सकते हो HTML। HTML बेसिकली एक स्ट्रक्चर देता है, वेबसाइट को, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं, चलिए ये जान लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट हैज अ लिंक विद इन इट। कोई भी टेक्स्ट अगर उसमें लिंक है उसके अंदर, तो वो हाइपर टेक्स्ट कहलाने लगता है, ठीक है। अब हाइपर टेक्स्ट तो कहलाने लगता है, हाइपर टेक्स्ट का यूज क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट का बेसिकली यूज ये होता है, वो कनेक्ट करता है वेब पेजेस को। वेब पेजेस क्या होते हैं, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होता है। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट नंबर ऑफ वेब पेजेस मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ द हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। व्हेन यू क्लिक, जब आप देखते हो, आप जितनी भी वेबसाइट आप खोलते हो, कोई भी वेबसाइट एग्जाम्पल ले लो, जब आप क्लिक करते हो तो उस वहां पर हाइपरलिंक्स दिखाते हैं। हाइपरलिंक्स पर क्लिक करके आप दूसरे उसके लिंक्स पर चले जाते हो, उसके पेज पर, एचटीएमएल पेज पर चले जाते हो। तो बेसिकली हाइपरलिंक्स क्या होती हैं, हाइपरलिंक्स आपकी हाइपर टेक्स्ट भी कहते हैं उनको। हाइपर टेक्स्ट बेसिकली लिंक्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं वेब पेजेस को, ठीक है। इसी एचटीएमएल को हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज कहा जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और मार्कअप क्यों कहा जाता है, मार्कअप इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कंप्यूटर लैंग्वेज है दैट इज यूज्ड टू अप्लाई लेआउट एंड फॉर्मेटिंग कन्वेंशन टू अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट को एक लेआउट अप्लाई करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि मार्कअप लैंग्वेज का मतलब बेसिकली यहाँ पर ये है कि ये आपके टेक्स्ट को मोर अट्रैक्टिव एज वेल एज इंटरैक्टिव बनाता है। इट ऑल्सो टर्न द टेक्स्ट इंटू इमेजेस एंड टेबल एंड लिंक, ठीक है। आप विद द हेल्प ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट यू कैन टर्न योर सिंपल टेक्स्ट इंटू इमेजेस, टेबल एंड लिंक्स के फॉर्म में आप कर सकते हो। इसलिए बेसिक इसलिए आपकी जो एचटीएमएल का फुल फॉर्म रखा गया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर लिंक्स होते हैं। ये एक तरीके की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसके हेल्प से आप खूब सारे वेबसाइट बना सकते हो, वेब पेजेस बना सकते हो, अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो और सर्वर पर डाल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज HTML, ठीक है। अब हम मूव करते हैं आगे HTML के नेक्स्ट, और जानते हैं HTML के बारे में। अब हम जानते हैं फीचर्स क्या होते हैं HTML के। HTML के फीचर्स क्या होते हैं। इट इज वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज है। आपने देखा होगा काफी स्कूल के स्टूडेंट 6 7 से भी स्टार्ट हो जाती है कुछ जगह, तो कुछ स्कूलों में आपने देखा हो 6 7 से भी एस्टीमेट, बेसिक एस्टीमेट पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि इजी है। इट इज वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज, इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड मॉडिफाई। आप इसको इजीली अंडरस्टूड भी कर सकते हो, इवन 6 7 स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो आप ये इजी लैंग्वेज है, आप इजी इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, अंडरस्टूड भी कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट ये है, इट इज वेरी इजी टू मेक एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन विद द एस्टीमेल।
विद द हेल्प ऑफ द एचटीएमएल यू कैन क्रिएट वेरी इफेक्टिव अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हो विच हैज अ लॉट्स ऑफ फॉर्मेटिंग टैग्स। टैग्स क्या होते हैं वो हम लोग आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, टैग्स के बारे में, और एट्रीब्यूट भी एक प्रॉपर्टी होती है, वो सब हम लोग बात करें। आज हम लोग सिर्फ एचटीएमएल के बारे में बात करेंगे। इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज सो प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल वे टू डिजाइन अ वेब पेजेस अलॉन्ग विद द टेक्स्ट। ठीक है, एक मार्कअप लैंग्वेज जो हम जैसे हम बता चुके हैं मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है पीछे, और ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबल वे टू डिजाइन अ वेब पेजेस, आपको एक फ्लेक्सिबल वे देता है जिसमें आप अपने डिजाइन कर सकते हैं वेब पेजेस को अलॉन्ग विद द टेक्स्ट। ठीक है, मतलब आप टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू अ टेबल एंड फॉर्म एंड ठीक और वीडियो के फॉर्म में आप कन्वर्ट करके आप अपने पेज के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को वी कैन से क्रिएट कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट द प्रोग्रामर टू ऐड अ लिंक ऑन अ वेब पेजेस। ठीक है, आप ये ऑल्सो गिव अ इट्स ऑल्सो गिव अ फैसिलिटी, आपको एक फैसिलिटी भी देता है कि आप लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेब पेजेस के ऊपर बाय एन एचटीएमएल एंकर टैग। एंकर टैग्स क्या होते हैं वो हम लोग आगे बात करेंगे डिटेल में। बेसिकली आप सिंपल फॉर्म में आप ये जान लिए एंकर टैग ए से डिफाइन होता है जो कि मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। सो इट एनहांस द इंटरेस्ट ऑफ द ब्राउजर ऑफ द यूजर। ठीक है, आपको एंकर टैग की हेल्प से आप इंटरैक्टिव भी बना देते हो अपने पेज को। इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है, इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि इट कैन बी रन, इट कैन बी डिस्प्ले एट एनी प्लेटफॉर्म लाइक विंडो, लिनक्स एंड मैकिंटोश, कोई भी आप प्लेटफॉर्म पर इसको रन करा सकते हो, इजिली रन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इट फैसिलिटेट द प्रोग्रामर टू एड ग्राफिक्स वीडियो साउंड टू द वेब पेजेस टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एज वेल एज इंटरैक्टिव। ठीक है, ये आपको ये भी फैसिलिटीज देता है कि आप इसमें ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हो, मतलब HTML आपको ये भी फैसिलिटीज देता है कि आप अपने इसमें ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हो, वीडियो भी ऐड कर सकते हो, साउंड भी ऐड कर सकते हो, ताकि आप अपने HTML पेज को मोर अट्रैक्टिव एज वेल एज इंटरैक्टिव बना सको। HTML ए इसमें एक ये भी फैसिलिटीज है HTML जो आपकी केस इनसेंसिटिव है। केस इनसेंसिटिव मींस क्या होता है, वी कैन यूज टैग इधर इन लोअर केस और अपर केस, हम लोग लोअर केस एज वेल एज अपर केस में भी यूज कर सकते हैं। बट नोटिस नोट ये दिया है, इट इज रिकमेंडेड टू राइट ऑल द टैग्स इन लोअर केस फॉर द कंसिस्टेंसी एंड रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी पर्पस के लिए आपको जितने भी टैग्स हैं, जितने भी एट्रीब्यूट है, कोशिश करा करिए कि आप लोअर केस में ही लिखिए, उससे क्या होता है आपकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, अपर केस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट अगर आपने अपर केस में भी लिख दिया तो ऐसा नहीं है कि आपका HTML पेज रन नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो चीज हम आपको प्रैक्टिकल में एक चीज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अभी तो ये फर्स्ट वीडियो है मेरी HTML के बारे में, एक सीरीज में लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ये मेरी फर्स्ट वीडियो, इसमें मैं आपको सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ HTML का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ब्लू इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ द HTML पेज स्ट्रक्चर। ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ऊपर आपका सबसे पहले HTML ओपनिंग टैग आता है, एंड में भी क्लोजिंग टैग आता है। यह जान के रखिए, अगर किसी का ओपनिंग क्लोज HTML टैग है, ये रूट टैग कहलाता है, तो उसका एंड टैग भी होगा। ठीक है, उसके बाद HTML के टैग के नीचे हेड टैग आता है, हेड में आपका मेटा इन्फॉर्मेशन होता है। मेटा इन्फॉर्मेशन मतलब आपके डॉक्यूमेंट के इन्फॉर्मेशन होता है। हेड के अंदर आपका टाइटल आता है, टाइटल पेज टाइटल भी एंड टाइटल आएगा। ठीक है, ये जान के अगर आपने ओपन टैग किया, जैसे सपोज टाइटल एंगुलर ब्रैकेट से आपने टाइटल को खोला, तो एंड भी आप क्या करोगे, एंगुलर ब्रैकेट स्लैश टाइटल क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, इसकी हेल्प से आप क्लोज करोगे। टाइटल बेसिकली क्या होता है, जब कोई आप वेबसाइट खोलते हो क्रोम में या कोई भी ब्राउजर में, जो ऊपर वाला आपको हेडिंग दिख के आ रही होती है वेबसाइट की, वेबसाइट का नाम, वो आपका टाइटल कहलाता है। ठीक है, ये कि आपका क्लोजिंग ओपनिंग टैग हेड का, ये क्लोजिंग टैग। ठीक है, इसके बाद बॉडी, बॉडी में बेसिकली जो कुछ भी आपको कंटेंट वेबसाइट पर दिखता है, जो कुछ भी जो विजिबल पार्ट होता है, वो आपका कहाँ आता है, बॉडी में आता है, जैसे हेडिंग पैराग्राफ, वो सब मैं आपको आगे फ्यूचर में बताने वाला हूँ। अभी ये जान के लिए हेडिंग पैराग्राफ एंकर पॉइंट बहुत सी टैग्स होते हैं जो आते हैं बॉडी के अंदर, फिर क्लोजिंग होता है, फिर HTML क्लोज है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए हर एक बेसिक वेबसाइट में, आपको मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में आपको बेसिक स्ट्रक्चर यही दिखेगा। HTML पेज स्ट्रक्चर एक्सप्लेन।
सबसे पहले जो HTML डॉक टाइप HTML क्या कहलाता है ये आपको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक टाइप HTML डिक्लेयर डिफाइन दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML 5 डॉक्यूमेंट। जो जैसे कि आपको पता है डॉक HTML HTML 5 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे HTML 4 भी है, 3 भी है, बहुत से HTML हैं। तो अगर आप ऊपर वाल जैसे कि हमने पीछे स्लाइड में देखा है बेसिक स्ट्रक्चर में आ गए, यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट ओपन और एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप लिख देते हैं, तो ये बेसिकली आपका ये एचटीएमएल बताता है डिक्लेरेशन डिफाइन दिस डॉक्यूमेंट इज एचटीएमएल 5 डॉक्यूमेंट। इसके हेल्प से ये टैग लगाने से आपका डॉक्यूमेंट एचटीएमएल 5 डॉक्यूमेंट का बन जाता है। और सेकेंड पॉइंट, ये एचटीएमएल एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ द एचटीएमएल पेज। सेकेंड जो पॉइंट है एचटीएमएल एलिमेंट, ये आपका रूट एलिमेंट होता है एचटीएमएल पेज का, बेसिकली रूट एलिमेंट होता है, बेसिक एलिमेंट आपका यही होता है। उसके बाद हेड आता है, हेड कंटेन मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द एचटीएमएल पेज। मेटा इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट द एचटीएमएल पेज, ठीक है। टाइटल स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ द पेज, जैसे मैंने आपको बताया टाइटल क्या होता है, स्पेसिफाई करता है टाइटल ऑफ द एचटीएमएल पेज का टाइटल क्या है, विच इज शोन इन द ब्राउजर टाइटल बार इन द पेज टैग, ठीक है। तो आपने टाइटल बार आप देखते हो टॉप पर दिखता है वो टाइटल कहलाता है। बॉडी, इसके बाद आते हैं बॉडी। बॉडी जैसे कि मैंने बताया बॉडी आपका विजिबल पार्ट होता है। बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट बॉडी, इट इज अ कंटेनर फॉर ऑल विजिबल कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, हाइपरलिंक, टेबल, लिस्ट। बॉडी के अंदर बेसिकली आपका हेडिंग आता है, पैराग्राफ आता है, इमेजेस आता है, हाइपरलिंक आता है, टेबल आता है, लिस्ट आता है, ठीक है। तो ये बॉडी पार्ट में ये सब चीजें आती हैं। सेकेंड आता है आपका हेड। हेड डिफाइन द लार्ज हेडिंग। हेडिंग भी बहुत टाइप की होती हैं जो कि हम लोग विजन आपको बताएंगे, H1, H3, H4, H5, H6 तक की होती हैं। बेसिक हेडिंग आपकी जो होती है लार्ज हेडिंग जो कहलाती है H1 टैग से होती है। उसके बाद पैराग्राफ आता है P टैग, P एलिमेंट डिफाइंड पैराग्राफ, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। वॉट इज एन HTML एलिमेंट? HTML एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट, एन HTML एलिमेंट एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्टिंग टैग, सम कंटेंट एंड एंड टैग। जो HTML एलिमेंट बेसिकली जो होता है, हमने बताया था स्टार्टिंग टैग्स होते हैं, एंड टैग्स होते हैं, और कंटेंट होता है, फिर एंड टैग्स होता है। मतलब स्टार्टिंग टैग्स एंड फिर कुछ कंटेंट जो आप दिखाओगे, फिर एंड टैग, वो हम आपको प्रैक्टिकल में बताएंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इस टैग नेम content goes here and tag name. HTML element is everything from the starting tag to end tag. HTML element basically क्या होता है? Starting tag, फिर content, फिर end tag. Starting tag से और end tag के बीच में जितनी भी चीजें आती हैं वो सब HTML elements कहलाती हैं, ठीक है, ठीक है। ये जैसे ये H1 example यहाँ पर दे रखा है, H1 my first heading. H1 हमने एक टैग एलिमेंट्स बनाया, एक टैग बनाया, फिर क्लोजिंग टैग करा। तो बेसिकली ये ओपनिंग टैग से, ओपनिंग टैग हो गया H1 का, फिर कंटेंट आ गया माय फर्स्ट हेडिंग, एंड देन क्या हो गया आपका एंड क्लोजिंग एंड टैग, H1 का क्लोजिंग टैग। तो बेसिकली ये तीनों चीजें मिलकर आपका क्या बनाती हैं? एलिमेंट्स बनाती हैं, HTML एलिमेंट बनाती हैं, ठीक। इसी तरह का पैराग्राफ का क्या है एलिमेंट, क्या है P टैग, हमने एक टैग बनाया फिर उसमें लिखा माय फर्स्ट पैराग्राफ एंड क्लोज पैराग्राफ, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स बना रहे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे, प्रैक्टिकल में आपको मैं हर एक चीज बता देंगे, वो हर चीज क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी। नेक्स्ट चीज आती है वेब ब्राउजर। ऐसे तो बहुत से ब्राउजर हैं आप यूज कर सकते हो, जैसे क्रोम हम यूज करते हैं, आप एज है, फायरफॉक्स है, सफारी है, टू रीड एन HTML। पर्पज बेसिकली वेब ब्राउजर का यही होता है कि आप के डॉक्यूमेंट को रीड करे और डिस्प्ले कर दे करेक्टली। ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग बट यूज देम टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ब्राउजर आपके HTML टैग को नहीं दिखाता है, बट टैग की हेल्प से वो आपके यूजेबल और एप्रोप्रिएट कंटेंट को डिस्प्ले करता है, ठीक है। द कंटेंट इन साइड द बॉडी सेक्शन, जो बॉडी सेक्शन के अंदर जो कंटेंट होता है वही ब्राउजर में दिखता है, जो कि मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया था। जो कुछ भी आप बॉडी में लिखोगे, जो कुछ भी आप इस बॉडी में लिखोगे वही आपका विजिबल पार्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्लाइड पर आते हैं, लर्निंग, लर्न HTML यूजिंग नोटपैड और टेक्स्ट एडिट। वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड और मॉडिफाइड बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर।
बेसिकली प्रोफेशनल एचटीएमएल एडिटर्स आते हैं, जो प्रोफेशनल एचटीएमएल एडिटर्स जो फ्रंट एंड डेवलपर जो होते हैं, या ग्राफिक डिजाइनर तो नहीं कह सकते, जो फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं वो प्रोफेशनल एचटीएमएल एडिटर यूज करते हैं, बट एज अ बिगनर आप सिंपल सब यूज कर सकते हो। हाउएवर वी आर लर्निंग एचटीएमएल, वी रिकमेंडेड अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर। हम लोग रिकमेंड करेंगे आप नोटपैड यूज ही करो या टेक्स्ट एडिट यूज करो नॉर्मल सा, ठीक है? क्योंकि आप बहुत से सबलाइन हो गया, कोडल विजुअल कोड हो गया, बहुत से ऐसे टेक्स्ट आते हैं जहां पर आपको कोड ज्यादातर नहीं लिखना पड़ता है, प्री डिफाइंड होते हैं, वो आप सिर्फ एक क्लिक करोगे वो ऑलरेडी सेंटेक्स बना के दे देगा। तो एज अ बिगनर हम नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप वो चीजें, वो टेक्स्ट यूज करो, वो टेक्स्ट एडिटर यूज करो बेसिकली, ठीक है? क्योंकि अभी आपको हर चीज सीखना है, एडवांस जब आप सीख जाओगे करते रहोगे तब हमें आपको बताऊं कि हाँ ये भी एक एडिटर है तो आप इसको यूज कर सकते हो। वी बिलीव इन दैट इन यूजिंग अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज अ गुड वे टू लर्न एचटीएमएल। अगर आपको एचटीएमएल सीखना है तो सिंपल टेक्स्ट एडिटर यूज करिए, ठीक है? फॉलो द स्टेप बिलो टू क्रिएट अ फर्स्ट वेब पेज विद अ नोट पैड और टेक्स्ट एडिटर। सेफ, एक चीज याद रखिए, जब भी आप सेव करेंगे आपके एचटीएमएल पेज को, हमेशा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के फॉर्म में ही क्रिएट करेंगे, ठीक है? इंडेक्स, इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, ये आपका फर्स्ट पेज होता है, जो आपका सर्वर जो होता है ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के एक्सटेंशन में करेंगे, और नाम हमेशा इंडेक्स ही देंगे। फर्स्ट पेज का, वेबसाइट का फर्स्ट पेज शुड बी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही होना चाहिए, ठीक है? उससे क्या होता है, वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि ये आपकी वेबसाइट का फर्स्ट पेज है, बिकॉज आपकी वेबसाइट में खूब सारे पेजेस होते हैं तो वो कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिखोगे तो इंडेक्स मीन्स फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट, एंड सेट द इनकोडिंग UTF-8 व्हिच इज प्री डिफाइंड इनकोडिंग फॉर HTML5, ठीक है? एंड यू कैन यूज ईदर डॉट एचटीएमएल और एचटीएम भी यूज कर सकते हो एज अ फाइल एक्सटेंशन, ठीक है? आप अगर इतना लिख देते हो अपने फाइल नेम इंडेक्स डॉट एचटीएम लिख दो या एचटीएमएल लिख दो, तो आपका वो एज अ एचटीएमएल फॉर्म में वो सेव हो जाएगा। आज की जो मेरी वीडियो बस इतनी थी जो मैं आपको एचटीएमएल के बारे में बताने वाला था। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को,